नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज वन के संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। विगत दिवस सीधी से सतना जा रही यात्री बस नहर में डूब गई थी, जिसमें से 51 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर आज शोक व्यक्त करने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रीवा चौराहा हवाई पट्टी पहुँचे, जहाँ पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का स्वागत पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक के पी त्रिपाठी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल द्वारा किया गया, जिसके पश्चात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान विशेष हेलीकॉप्टर से सीधी के लिए रवाना हुए और वहां से सीधी जिले के चौराहे के रामनगर मोहल्ले में पहुंचकर बस दुर्घटना में प्राण गंवाने वाले श्यामलाल साकेत के परिवार को मिल सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में परिवार के साथ है, परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी। बेटी कल्पना तथा बेटे आकाश और आशीष को पढ़ाई के लिए भी हर तरह की मदद दी जाएगी। विगत दिवस हुए दुर्घटना में ढाढ़स बंधाने पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जब परिजनों से मुलाकात की, तो परिजनों ने उनसे नौकरी की डिमांड करते हुए बच्चों की पढ़ाई की भी मांग रखी। वहीं विगत दिवस हुई इस घटना में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान वाहन चालक ने बताया कि छुईया घाटी का मार्ग प्रायः अवरुद्ध रहता है और आए दिन जो है जाम की स्थिति बनी रहती है, और इस बस में परीक्षार्थी होने के कारण मैंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया था, किंतु दुर्भाग्यवश वह एक घटना घट गई। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। उतारे सवारी, उतारने के बाद जब आगे बढ़े, पता नहीं खट खुट की क्या आवाज़ आई, इसके बाद गाड़ी खींच गई। फिर क्या हुआ? फिर उसमें हम भी साथ में चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे को खुद मालूम नहीं कि क्या कैसा, कैसे हम निकले, कैसे क्या हुआ। फिर जो है तो रस्सा उस्सा लगाए, इतना ध्यान है कि रस्सा लगा के बाहर ही चला गया। कितने बस में, कितने लोग सवार? बस में जो रहे हो 50-55। बस की परमिट किधर से थी? ये छुईया घाटी होके रामपुर नैकिन होके उधर जाम था छुईया घाटी में। आप वहाँ पर तुरंत ही पुलिस को सोचा कि वहाँ से भाग जाएंगे? और जो है तो हम सब यहाँ से पहुँच गए, फिर वहाँ पब्लिक से और ये सब बात नहीं आई। ये कि भैया कुछ जब गुहार मारे, सवारी स्वयं आवाज़ हल्ला कर दी। अभी आपकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? हमारी सतना से हुई। हमारी दिमाग खुद काम नहीं कर रही, हम क्या बता रहे हैं। सतना हम ऐसे बस द्वारा पहुंचे थे, वहां से निकल कर आप दूसरे बस में चले गए? जी। क्या सीएम से आपने बात की है? सीएम साहब ने क्या कहा है आपसे? मेरी बहन बोली मेरा भाई तो नहीं मिलेगा, पर मुझे अगर नौकरी चाहिए तो बोले हैं हाँ नौकरी दिलाएंगे, वादा करते हैं। इसमें क्या की, इसमें किसकी मौत हुई है, कैसे मौत हुई, कहाँ जा रहे हैं? इसमें मेरा भाई और मेरी बहन जा रहे थे सीधी से सतना पेपर देने, साथ में था तो बहन मिल गई, भाई की मौत हो गई। तो नौकरी के लिए क्या बोला है सीएम ने? क्या बोले हैं कि देंगे, पक्का वादा करते हैं, आश्वासन दिए हैं, अब पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, बस से निकले हैं वो, घर सतना ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, बहन को लाने बलिया जा रहे थे। ये हादसा ऐसे रास्ते में हो गया है, अभी तक कल से भी लापता अभी तक मिले नहीं हैं। रमेश कुमार विश्वकर्मा लापता हैं, एक योगेश द्विवेदी लापता है, एक विश्वकर्मा और लापता है। प्रशासन ने बोले कि ढूंढ रहे हैं, मिलेंगे, आज मिलेंगे, अभी मिलेंगे। अभी तक सुबह से हम लोग यहाँ के बैठे, कल से बैठे हैं, कल भी चले गए, आज भी सुबह से आके यहाँ बैठे हैं। सीधी से हम लोग आए हैं, कुछ भी अभी तक कुछ खोज खबर नहीं मिला हम लोग को। कल लोग हम लोग मर रहे हैं, तीन लोग सीधी के निवासी हैं, सीधी बनिया कॉलोनी के हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल है। 1000 दे लाए, दसम कराई का 5000 दे लाए, 2 लाख दे लाए, का जीवना हमारा बचा दे, हमारा जीवना ना बचा दे, तरी तरी स्वर की सड़क बनवाए, बनवाए साल का पैसा लग जाए तो भाई कमाई कर डाल दे बैंकन में, कहीं के दादा का कमाई आई, यही बाबा का कमाई आई, आज कितनी क्षति भाई, वो क्षति का कोई निगरानी का करैया नहीं आई। आपकी बिटिया बस में थी?
नातिन यहाँ हमारे नातिन से बड़का बिटिया बेटवा से बड़का नातिन रुआ होता। तो कहाँ जा रही थी? परीक्षा दे जा रही। अब एक जने का कॉलेज खोल दे हुआ लखा ना हूँ तो मंत्री मिनिस्टर का न जा हुआ लखा ना हूँ कि गरीबन का पहुँची ही नर्स। अब कहाँ मिली? कहा था अब अल्लाह अब अल्लाह। अरे कब आई? जब परान यहाँ सबका निकाल जाए तब आई। छुईया घाटी का बात बताई ला है कि 30 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है, 2 दिना 3 दिना जाम खुली, बाकी जाम लगा रहा था। काहे लगा रहा था जाम? प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन का कह रहा है? प्रशासन हेर अल्लाह है। मुख्यमंत्री आएंगे आप बात करेंगे? करब काहे ना का मुख्यमंत्री बाघ बिलारी नो मनाई नहीं आई। हाँ हमार गंभीरे पर जपति ना है नाती ना आए हमार बनो पहुना आई राजकली भी थोड़ा सा पहुंचना है। मैं कल ही जाना चाहता था लेकिन क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बीच में जाने पे थोड़ा व्यवधान आता, ये भी विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को रोका। हमारे दोस्त मंत्री साथी गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ परिवारों से भेंट करूंगा, जानकारियां लूंगा और जो बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन उन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं बल्कि जिंदगी भी कैसे आसान बने और बाकी भी मूल में मैं जाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं शासकीय कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में विज्ञान के प्रसंस्करण नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भरत सिंह कुशवाहा ने कृषि महाविद्यालय रीवा में आयोजित उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कृषक प्रशिक्षण शिविर एवं उद्यानिकी प्रदर्शनी का किया शुभारम्भ। आदर्श विकास खंड के रूप में रीवा जिले का चयन होने के बाद कृषि महाविद्यालय रीवा में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान के प्रसंस्करण नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भरत सिंह कुशवाहा ने कृषि महाविद्यालय रीवा में आयोजित उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कृषक प्रशिक्षण शिविर एवं उद्यानिकी प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया जट्टी, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े सहित व अन्य कृषि अधिकारी एवं वैज्ञानिक उपस्थित रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि विधायक राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से रीवा का चयन हुआ, जिस पर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने घर जैसा कार्य करते हैं और रीवा जिले का चयन होना हमारा सौभाग्य है। प्रस्तुत है एक झलकी सहित स्वतंत्र प्रभार मंत्री भरत कुशवाहा से जानकारी के अनुसार। वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि स्वागत के लिए श्री योगेश पाठक जी को आमंत्रित करूंगा। जिला अध्यक्ष श्री जेपी कोलेकर जी को आमंत्रित करूंगा। मैं डॉक्टर राजेश सिंह को आमंत्रित करूंगा। श्री ललू श्री संत विनायक जी अनुरोध कर रहे हैं मंत्री जी के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा। अभी तो हमारे यहाँ का टमाटर हम केचप बना लेते हैं और इस कार्यक्रम में सभी का मानना है, लेकिन हम जाएं कैसे? उसके लिए ये जरूरी है कि हम हमारा मार्गदर्शन हो, जन जागरण हो और साथ में हमको अनुदान वगैरह भी उस तरीके से उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जैसे अभी हम लोग प्रदर्शनी देख रहे थे तो उस प्रदर्शनी में कुछ बहनें थी जो कह रही थी कि कुछ पैसा वैसा दिलाइए, ग्रांट दिलाइए तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको और बढ़ा सकते हैं। तो हमने कहा ये मंत्री जी खाली हाथ थोड़ी आए, ये ग्रांट लेके आए। अभी रीवा ब्लॉक में 40 लाख रुपए रीवा ब्लॉक में 2 साल पहले 19 लाख रुपए और पिछले साल 40 लाख रुपए खर्च हुआ। अब आप देखना इस साल 1.5 करोड़ खर्च होगा और अगले साल 2 करोड़ खर्च होगा। इसका मतलब कि 5 गुना पैसा ज्यादा मिलेगा उद्यानिकी और खाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने में। तो इसलिए आगे आइए और लाभ उठाइए, जो आगे आएगा उसको लाभ मिलेगा, इसके लिए जानकारी प्राप्त करिए। जैसे हमारे करही गांव के ठाकुर साहब हैं करही गांव में, और उसके साथ साथ आपको अनुदान भी दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा, जैसे कि आप आगे बढ़ सके
सौ रुपये आप लगाएंगे तो 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया आपको वापस हो जाएगा। ये जो चेन लिंक फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था के बारे में मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि चेन लिंक फेंसिंग यदि किसानों को, क्योंकि इस समय हालांकि हम लोग जो बेसहारा गाय हैं उनके लिए गौशाला वगैरह और गौ अभ्यारण वगैरह बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की खेती करने के लिए जरूरी है फेंसिंग, और फेंसिंग के लिए जो पैसा लगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी तो किसान इसी तरह से। एक उद्यानिकी के क्षेत्र में हमें किसानों को अवेयर करना है, क्यों बगैर उद्यानिकी के फसलों के उत्पादन के बगैर किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती है, किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, और उद्यानिकी की फसलों को भी किसान जब अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आय में भी वृद्धि होगी, तो किसान आत्मनिर्भर बनेगा। किसान जब हमारा आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए मॉडल विकास खंड के रूप में उद्यानिकी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 20 ब्लॉकों का जो चयन हुआ है उसमें रीवा ब्लॉक का भी चयन हुआ है, और उसी के तहत उद्यानिकी का एक जो कार्यक्रम था, किसानों की संगोष्ठी थी, प्रशिक्षण था, उसमें माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण सभी इकट्ठे हुए थे और किसानों को विस्तार से उद्यानिकी के क्षेत्र में जानकारी दी गई। और उद्यानिकी के क्षेत्र में सरकार का ऐसा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत अच्छी तीव्र गति से किसानों के लिए अनुदान सब्सिडी पर काफ़ी कुछ बजट में प्रावधान कर रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है, अपील है कि उद्यानिकी के क्षेत्र में वो जुड़ें, उद्यानिकी की फसलों का उत्पादन बढ़ाएँ। जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा, बाज़ार में भी एक अच्छा स्थान मिलेगा और अपने उत्पादन का भी प्रोसेसिंग कर सकेंगे। अभी हाल ही में लखन घुंघरिया जी आए थे, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आसाराम बापू कहा। ये विपक्ष के पास कुछ कहने को है ही नहीं है, ये लोग ऐसे हैं, इनकी मानसिकता ही ठीक नहीं है। अगर अच्छे को तो अच्छा कहना चाहिए। किसानों को सब पता है कि मध्य प्रदेश और देश में अगर किसी ने चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, देश में मोदी जी ने की है, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की है। पति ने जहर पिलाकर की थी महिला की हत्या, समान पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, बेटी के बयान से सामने आया सच। संदिग्ध परिस्थितियों में जहर सेवन से महिला की मौत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। घटना का सच करीब 1.5 माह बाद सामने आया। महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था, जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। साधना त्रिपाठी पति विवेक त्रिपाठी 37 वर्ष निवासी बाणसागर कॉलोनी की 26 दिसंबर को जहर सेवन से मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने भी इसे आत्महत्या मान लिया था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी 13 वर्षीय बच्ची और एक रिश्तेदार के बयान दर्ज किए तो पूरा मामला सामने आया। पति ने उसके साथ मारपीट की थी और निर्दयतापूर्वक उसको जहर पिला दिया था। माँ को बेटी 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल ले गई, जहाँ महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद आरोपी पति मोबाइल बंद करके लापता हो गया था, जिसका कोई पता नहीं चल रहा था। पति मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां बाणसागर कॉलोनी में घर बनवाकर रहता था। आरोपी पति ने न्यायालय में पत्नी से तलाक के लिए आवेदन भी किया था। प्रतापगढ़ न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने इतनी जल्दी तलाक देने से इनकार करते हुए 2 साल तक पति पत्नी के साथ रहने की समझाइश देते हुए आदेश दिया था, जिसके बाद वह अपने पति के साथ बाणसागर कॉलोनी में रहती थी। प्रस्तुत है समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से जानकारी के अनुसार विवेक त्रिपाठी और साधना त्रिपाठी घर में थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक साधना त्रिपाठी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो बड़ी बच्ची अंदर गई, देखी पापा पन्नी में, पन्नी बहने हाथ में और कुछ पिला रहे हैं, और उसके बाद पापा द्वारा बोला गया मम्मी तुम्हारी मर जाएगी, कह के वहाँ से घर से निकल लिए। जब उल्टी होने लगी तो बच्ची ने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद वो 108 करके हॉस्पिटल ले गई संजय गांधी, और किसी को इन्फॉर्म नहीं की, इलाज चलता रहा। तीसरे दिन वहाँ संजय गांधी में मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद मर्ग जांच, पीएम पंचनामा ये सब हुआ, और परिजनों के रिश्तेदारों के कथन हुए, पीएम रिपोर्ट मिली, उस पर से बात निकल के आई कि पति
कपूर में भी झगड़ा वाद विवाद चलता था और उसने कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में, बेसिकली प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ पे डाइवोर्स का भी केस रजिस्टर कर रखा था और इनका आपस में विवाद चलता रहता था। और जांच पे पाया गया कि पति द्वारा जहर मारने के उद्देश्य से खिला दिया गया है और उसके बाद से वो फरार है। ये कहाँ रहने वाला था पति? बाण सागर के पास लगा हुआ, वहाँ से कहीं से वहाँ पे घर है, वहीं रहते थे। क्या नाम है पति? विवेक त्रिपाठी। जेपी सीमेंट में ऊंचाई से गिरने के कारण श्रमिक की मौत पर हुआ बवाल। संजय गांधी अस्पताल में भारी पुलिस बल मौजूद। जेपी सीमेंट प्लांट के नर्मदा गेट के समीप काम करने वाले एक श्रमिक की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से घायल श्रमिक को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बड़ा कोठार निवासी 45 वर्षीय निर्मल बुनकर जेपी सीमेंट प्लांट में श्रमिक का काम करता था। जिस जगह वह ऊंचाई पर काम कर रहा था, वहां की बल्ली टूट जाने के कारण वह नीचे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घायल की मौत होने पर परिजनों ने जेपी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, जहां पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के काफ़ी समझाइश के बाद मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में रखाया गया। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिजन को नौकरी से एक मुआवजा दिया जाए, जिसके लिए अधिकारियों व जेपी प्रबंधन सहित परिजनों के बीच बैठक होने की बात कही गई है। प्रस्तुत है तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित परिजन से जानकारी के अंश। राकेश सिंह, ये क्या है कि हम जो है तो वहाँ पर सीमेंट मजदूर एकता यूनियन है हमारा, उसके हम महामंत्री हैं, तो ये मजदूर के नाते हमारे जो है साथी हैं। मैं भी वहाँ मजदूर था और ये भी मजदूर हैं, तो हम साथी हैं। ये घटना क्या हुई कि रॉ मिल एरिया है, जहाँ पत्थर पिसता है, वहाँ पर ये जो है तो साफ़ सफाई काम कर रहे थे। उसके बाद ये जो है तो वहाँ पर काफ़ी कचरा जमा हुआ था और कचड़े के नीचे जो प्लेटफॉर्म था वो सड़ा हुआ था, तो कचड़े के पास जैसे ही ये गए वहाँ साफ़ सफाई करने, वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म जो है धंसा नीचे और ये जो है लगभग जो है तो 25 फीट नीचे गए, जिसकी वजह से इनके जो है कमर में चोट आई और दो जगह से रीढ़ की हड्डी की टूटी, अनकॉन्शियस हो गए। फिर जाके जेपी अस्पताल से वहाँ हम लोग ले गए, वहाँ से फिर यहाँ ले आए कैजुअल्टी में, फिर MRI कराया। उसके बाद जो है जैसे MRI कराने के बाद फुर्सत हुई, वैसे ही तत्काल जो है तो इनकी डेथ हो गई। ICU ले जाते समय इनकी डेथ हो गई। सर, हम चाहते हैं पूर्व में जिस तरह से आसपास जो इंडस्ट्री है उनमें जो है तो मजदूरों के साथ ये जो घटनाएं हो, दर्दनाक घटनाएं होती हैं, उसमें जो परिजन को लाभ मिलता है, कंपनसेशन और नौकरी, वो सारी चीज़ें जो है सुविधा मुहैया कराई जाए, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और प्रबंधन की भी है उनसे। ठीक, अभी हमारी तहसीलदार महोदय से बात हुई है, TI अमहिया महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हम जो है तो एक वार्ता बुलाएंगे, इसमें प्रबंधन के लोग भी रहेंगे, प्रशासन के लोग भी रहेंगे और आप यूनियन प्रतिनिधि से भी हो के लोग भी रहेंगे और तीनों पक्ष जो है त्रिपक्षीय वार्ता करके समाधान का रास्ता निकाल कर जो है तो आगे जो है तो बातचीत करके कुछ निराकरण करेंगे, ये उनका जो है तो आश्वासन है प्रशासन के। मृतक का नाम निर्मल बुनकर। हाँ, अभी जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि निर्मल बुनकर नाम के रॉ मिल में काम करता था जेपी प्लांट में, वहीं पर उसकी गिर करके मृत्यु हो गई है। पेशेंट जीवित था, यहाँ पर संजय गांधी जब लाया गया है तो यहाँ बताया गया कि इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल बॉडी को अभी मर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया है, PM की कार्यवाही कल पर की जाएगी। अभी तो बात नहीं हो पा रही है, कुछ उनके साथी और संघ के लोग यहाँ पर हैं, परिजनों से बात नहीं हो पाई, ना मुलाकात हो पाई उनसे। संघ के लोग अभी अपने बात कर रहे हैं प्रबंधन से, जैसे भी बात होगी वह कुछ अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ताला तोड़कर DSLR कैमरा, जेवरात, मोबाइल सहित नकदी चोरी की घटना का सिटी कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। चोरी गए मसरूखा के साथ दो चोर गिरफ्तार। विगत 1 फरवरी की दरमियानी रात सबान अंसारी पिता शरीफ अंसारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी तरहटी, थाना सिटी कोतवाली रीवा, परिवार सहित घर में सो रहे थे कि रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा घर के मुख्य द्वार के ताले को तोड़कर घर में प्रवेश कर घर के अंदर रखे DSLR कैमरा, 3 मोबाइल, TV का सेटअप बॉक्स, सोने चांदी के जेवरात जिनकी कुल कीमत 95,000 रुपये का मसरूखा चोरी कर ले गए थे। फरियादी ने उपरोक्त की रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रकरण की विवेचना करते हुए सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा चोरी गए मोबाइल की कॉल डिटेल साइबर सेल से प्राप्त की, जिसके बाद
संदेही से पूछताछ की गई, जो कि आरोपी भरत पिता राजेश उम्र 20 वर्ष निवासी रानीगंज, पवन लोनिया पिता प्रदीप लोनिया उम्र 24 वर्ष निवासी कवाड़ी मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली से पूछा, जिसने कि घटना करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में चोरी गए उपरोक्त मसरूखा को बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अंश। मोहल्ले में 1 फरवरी की रात्रि में घर के अंदर ताला तोड़ के चोरी हुई थी, जो साबान खान हैं उनके घर में, जिसकी सूचना उन्होंने 2 तारीख को थाने में दी थी। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी, जिसमें कि एक कैमरा और कैश गया था, सोना चांदी के जेवरात गए थे, मोबाइल गए थे, करीब 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से पूरी संपत्ति जितना चोरी गया था पूरा जब्त कर लिया गया है। तो जो अपराधियों में एक पवन लोनिया है, जो कि कबाड़ी मोहल्ले का है, और एक भारत स्वीपर है, जो कि पन्ना जिले का रहने वाला है, पन्ना का, यहाँ पर रेलवे में नौकरी करता है और वहीं गुड़हर में रहता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाँ, इनके भारत के खिलाफ तो जो पन्ना का रहने वाला है उसके खिलाफ तो कई अपराध हैं, और जो पवन लोनिया है उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं थे, पहली घटना में शामिल रहा है वो। आज की खबरों में बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।